देखिए, सीकर निवासी नाबालिग लड़की का पाकिस्तान युवक से प्रेम प्रसंग का मामला। नाबालिग लड़की के पिता हैं सेना में कार्यरत, अपनी दो बहनों के साथ चौमू में रहकर पढ़ाई कर रही है नाबालिग। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान निवासी असलम से हुई थी दोस्ती। असलम के प्रेम जाल में फंस उसने उससे मिलने पाकिस्तान के लाहौर जाना चाहती थी नाबालिग लड़की। पाकिस्तान आने के लिए असलम ने रखी थी बुरका पहनने की शर्त। नाबालिग लड़की ने पाकिस्तान जाने के लिए बुरका भी खरीद लिया था। जयपुर एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट वीज़ा के पाकिस्तान जाने के लिए पहुंची थी। नाबालिग और पाकिस्तानी युवक के बीच में चैटिंग की जांच जो चैटिंग जो हुई है, विनय पंत फोन लाइन पर कनेक्ट हो गया हमारे सहयोगी। विनय, किस प्रकार से पूरा मामला सामने आया और इस लड़की को कैसे पकड़ा गया कि ये बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान उड़ान भरने जा रही थी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया है, एयरपोर्ट पर एक नाबालिग लड़की को बिना पासपोर्ट और वीजा के पाकिस्तान जाने के लिए जो फ्लाइट थी उसकी टिकट के बारे में पड़ताल करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पकड़ा था और उसको सीआईएसएफ को सौंपा गया। उसके बाद सीआईएसएफ ने जयपुर पुलिस को उस युवती को सौंपा था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद को पाकिस्तान का होने रहने वाले बताया और साथ ही उसने कहा कि उसके माता पिता पाकिस्तान में रहते हैं और वो 3 साल पहले अपनी बुआ के साथ भारत आई थी और अब वो वापस अपने माता पिता के पास पाकिस्तान जाना चाहती है। जब पुलिस ने पूरी पड़ताल की और ये बात पता चली कि श्रीमाधोपुर में जहाँ पे वो अपनी बुआ का घर बता रही है वहाँ पे कोई भी घर नहीं है और ना ही उस नाम की कोई महिला वहाँ रहती है। इस पर जब पुलिस ने आसपास के थानों में पड़ताल की तो एक नाबालिग के लापता होने की बात सामने आई। उसकी जब तस्दीक की गई और जो तस्वीर है वो उसके परिजनों को दिखाई गई तो परिजनों ने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी बेटी है। इस प्रकार से इस पूरी जो झूठी कहानी जो उस नाबालिग लड़की ने रची थी उसका पर्दाफाश हुआ और जब उससे पुलिस के अधिकारियों ने पर्दाफाश होने के बाद पूछताछ की तो उसने बताया कि वो 1 साल पहले इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान के लाहौर निवासी असलम से संपर्क में आई थी। दोनों के बीच में दोस्ती हुई और चैटिंग करते हुए उसे असलम से प्यार हो गया और वो असलम से मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती थी और असलम ने पाकिस्तान आने के लिए उसके सामने बुर्का पहनने की शर्त रखी थी जिसके चलते उसने बुर्का भी खरीदा था और कल शाम को श्री माधोपुर से अपने माता पिता को बिना बताए बस में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हुई थी और बस में ही मौजूद दो युवकों से उसने जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने में मदद मांगी थी जिसके बाद दोनों युवक उसको एयरपोर्ट लेकर पहुंचे थे और वहां पे उसको सीआईएसएफ ने दबोच लिया। ताजुब की बात यह है कि जो नाबालिग लड़की है वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार है। हाल ही में उसने 12वीं की जो परीक्षा होती है वो अच्छे नंबरों से पास की है और वो अभी वर्तमान में चौमू में अपनी दो बहनों के साथ रहकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार भारत में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे बात अंजू की करें, अंजू भी राजस्थान के जो अलवर जिले से पाकिस्तान पहुंची है और पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आई है और अब एक बार फिर से राजस्थान के ही सीकर के श्रीमाधोपुर से ये जो नाबालिग लड़की है वो पाकिस्तान जाना चाह रही थी और उसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। फिलहाल जो चैटिंग जो नाबालिग लड़की और पाकिस्तान युवक असलम के बीच में हुई है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा एटीएस सेंट्रल आईबी स्टेट आईबी और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो भी इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रहे हैं। हालांकि देर रात पूरी पूछताछ करने के बाद जो नाबालिग लड़की है उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और परिजन जो नाबालिग लड़की है उसको लेकर श्री माधोपुर के लिए रवाना हुए और परिजनों ने भी यहाँ पे पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया कि समय रहते पुलिस ने उसको यहाँ पे पकड़ लिया, उसकी काउंसलिंग की और अब जो ये पूरा मामला है उसकी फिलहाल अभी जांच जारी है। असलम की जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी खंगालने में पुलिस और जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जुटी हैं। ये जो डिटेल्स मिली है विनय, ये सब क्या चैट से ही मिली है कि बुर्का पहनकर आना और सारी चीजें? जी बिल्कुल, देखिए जो असलम से जो चैट हुई थी उसके अंदर इस बात का जिक्र सामने आया है कि उसने पाकिस्तान आने के लिए जो शर्त है वो यही रखी थी कि वो बुर्का पहन के पाकिस्तान आए, जिस पर जो नाबालिग लड़की है उसने बुर्का भी खरीदा और वो घर से परिजनों को बिना बताए 1000 रुपए लेकर निकली थी और उसने रस्ते में एक बैग और कुछ अन्य सामान भी खरीदा था और जब जयपुर पहुंची थी तब उसके पास तकरीबन 500 रुपए की जो राशि है वो बची हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।